नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। योर ऑलरेडी EKYC ड्यू, प्लीज कम्प्लीट योर EKYC एंड प्रोवाइड रेसिडेंटल एंड कॉसिक एड्रेस, प्लीज कंप्लीट योर EKYC। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रत्येक वर्ष आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल में KYC अपडेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे KYC को अपडेट कैसे करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। जैसे दोस्तों आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉग इन करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे अपडेट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर आपको प्रतीक्षा करना है। देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको VLE प्रोफाइल एंड कॉसिक अपडेट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, इसमें यहाँ पर आपका फुल नेम रहेगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको पिन कोड फिल करना होगा, उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले आधार को वेरीफाई कर लेता हूं, उसके बाद सभी को डिटेल्स फिल करके आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों मैं आधार नंबर को फिल कर दिया, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सभी को मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी को फिल कर दिया, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। जैसे दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कॉसिक एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। कॉसिक नेम में दोस्तों यहाँ पर आपको शॉप नेम फिल कर देना, या तो आपका अपना खुद का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शॉप का नेम देने से ही बढ़िया होगा, क्योंकि आप यहाँ पर शॉप का नेम देंगे तो आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉसिक ऑनरशिप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको रेंटेड ऑन्ड या गवर्नमेंट जो भी आपका कॉसिक ओनरशिप है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना दुकान को या आप अपना शॉप को रेंट में ले रखे हैं तो आपको यहाँ रेंटेड आपको सेलेक्ट कर लेना, खुद का है तो यहाँ पर आपको ऑन्ड को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों मेरा खुद का है तो यहाँ पर मैं ऑन्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रूलर से है कि अर्बन से है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। रूलर से है तो रूलर को सेलेक्ट कर लेना है, अर्बन से है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पर मैं रूलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे रूलर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका स्टेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको सेलेक्ट करना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद विलेज आपको फिल करना होगा, ग्राम पंचायत फिल करना होगा, उसके बाद नीचे आपका कॉसिक एड्रेस आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पिन कोड आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है अर्बन, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे अर्बन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका विलेज की जगह वार्ड आ जाएगा और ग्राम पंचायत की जगह यहाँ पर देखिए ब्लॉक, नगर पंचायत या नगर पालिका या म्यूनसिपल या नगर परिषद आपको यहाँ पर फिल करना होगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो रूलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं कॉसिक एड्रेस में डिटेल्स फिल कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए करंट पैन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करके आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं पैन नंबर अपना फिल कर लेता हूँ, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर को फिल कर दिया, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जब तक आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो जाता है तब तक आगे का प्रोसेस आपको नहीं करना है। यहाँ पर मेरा अभी तक पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैं कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्चा को भी फिल कर लिया, उसके बाद बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको टिक कर देना। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मूड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, OTP और फिंगरप्रिंट और दूसरा आयरिस। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ पर दोस्तों मेरा तीसरा जो ऑप्शन है OTP का वही सेलेक्ट है। हो सकता है आपको यहाँ पर OTP का ऑप्शन देखने को नहीं मिले, सिर्फ आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट और आयरिस देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको अपने सिस्टम में फिंगर स्कैनर डिवाइस को लगाना होगा या तो आयरिस डिवाइस को लगाना होगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं OTP के माध्यम से वेरीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉक्स को टिक करके और यहाँ पर नीचे आपको देखिए प्लीज जनरेट OTP नाउ, यहाँ पर SMS और ईमेल दोनों सेलेक्ट है। तो यहाँ पर हमें दोनों पर OTP मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स पर टिक करके आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाता हूं। इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, उसके बाद जेनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। यहां पर दोस्तों आपको SMS और ईमेल दोनों आपका टिक रहेगा, तो यहां पर आपका दोनों पर OTP आएगा, तो जेनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों मेरा OTP आ चुका है, तो यहां पर मैं OTP फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर लेता हूं। यहां पर मैं OTP को फिल कर दिया, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर प्रतीक्षा करना है। यहाँ पर देखिए योर KYC हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, गो टू डिजिटल सेवा पोर्टल, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों मेरा सक्सेसफुली eKYC डिजिटल सेवा पोर्टल में अपडेट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को देख करके आप बड़ी आसानी से डिजिटल सेवा पोर्टल में आप अपना KYC को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना और कुछ नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।